يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بنيا وحافظا وقائدا

ईद रज़ा के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं वहाँ मुबारक जिल्हजा जो है बहुत मुबारक महीना है और इसमें शिया शेनाशी हजरात के लिए बहुत सी ईदें हैं यह महीने में अगद हजर अमीरामम अलियब नबी ताल सामा और जनाब जहरा सलाम करार पाया इस महीने में सूर्य दहर की आ, का नज़ूल हुआ इस महीने में ईद अज है ये महीना शियों का सबसे ख़ास महीना ईद गदीर का है इस महीने में ईद मोला है और बहुत से ऐसे खुशी के माहौल बहुत खुशी के ऐसे तारीख़ें जिसमें हम सब लोग के लिए मसरत का बायस हैं आज हुसैनिया टीवी टी वी की जानब से मैं आपकी खिदमत में हजरत महदी साहेब ज़मान अजल्ला तजा शरीफ के चार नवाबी खास के मतलब गुफ्तगू करने के लिए यहाँ हाज़िर हुआ हूँ और हमारी सबसे पहली गुफ्तु जो है उनके पहले नायब ख़ास जनाब स्स्मान इबन सईद अल अमरी अल असदी रजवानल्ला से मुतल होगी दरअसल ये चार नवाबीन मजहुल कद्र थे चूँकि इन्होंने गैबद के गबिलसगरा के बहुत ही मुश्किल दौर में अपनी ज़िंदगी बसर की ये नवाबीन के बारे में शीह हजरा ज़्यादा नहीं जानते हैं और ज़्यादा तहकीकी किताबों को उन्होंने तो मुताल भी नहीं किया है आमतौर से इन नवाबीन के नुमाइंदगी के पीछे एक बहुत ख़ास मसल तो हमत पोशिदा थी जो हम शाह हज़रा को इमाम जबान इस्लाम की गहबत में समझना चाहिए अगर हमने इन नवाबीन की मार्फत और इन नवाबीन के मिशन को समझ लिया गगरा के दौरान तो आज गबत कोबरा के दौरान हजरत हमारे जब्लाम की खेमत को मफहूम समझने में हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और फिर हमारे लिए मरज़ फिर हमारे लिए की जो है रहबरी फिर हमारे लिए दिगर चीज़ों का समझना काफ़ी आसान हो जाएगा और इसीलिए हम चाहते हैं कि सिलसिलेवार एक एक करके हम लोग जो है इन नवाबीन के बारे में डिस्कस करें और इनशाला आप लोगों के लिए थोड़ा सा लमह फ़िक्रिया पैदा करें कि देखिए किस कदर मुश्किल दौर से ये शयत आईमा सलाम की इमामत के बाद गुज़रते हुए नवाबिनखाज के दौर से होते हुए आज इस ज़मान हाल में हम लोगों तक पहुँची है लेकिन जब तक आप इन बुज़ुर्गवार की कुर्बानियों को इन बुज़ुर्गवार के ज़माने को ना समझ लेंगे उस वक्त तक आपके लिए इन चीज़ों को पूरी तरह से एबज़ॉब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा उस्मान बिन सैदरी आपको बता दें नवे इमाम हज़रत इमाम महमद इबन अलैहिस्सलाम के ज़माने से जब उनकी उनकी कंपनी ग्यारह साल की थी तब से वो इमाम जवाद की खिदमत करते थे और उसके बाद उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया जिसमें वो जवान हुए इमाम अलैहिस्सलाम के बहुत ही मतबर और मोतबद अहाब में से थे जनाब इब्न सईद अमरी और ये जो हैं कबीला बनी असद से ताल्लुक़ रखते थे इनकी कुत थी अबू आम्र उनको उस जमाने लोग अबू आम्र के नाम से याद करते थे अगर आपने शिया कुतुब का अगर आप मुताल करें तो आप पाएंगे कि आइमा सलाम ने और लगातार और कई बार जनाब स्स्मा सईद अल अमरी के सिका होने के बारे में गवाही दी है यानी एक बार जब इमाम हाज़ी साम की ख़िदमत में एक शिया हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि मौला ये बताइए कितनी मरतबा मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाता हूँ कितनी मरतबा मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं आपसे रबता क़ायम करूँ और आपसे कुछ सवाल कर सकूँ और ये आपसे कुछ दीन से मतलब चीज़ें दरियात कर सकूँ इमाम अली नक़ीसम ने इशात फरमाया ये अबू अम्र हैं अगर तुम किसी वजह से हम हम तक तुम्हारी रसाई ना हो सके अगर तुम हमसे ना हम तक ना पहुंच सको और कुछ जानना चाहते हो अब अमर की तरफ रुजू करो और अब अमर से बात करो ये हमारे लिए काबिल एतमाद और सिका हैं ये इमाम ने अबू अमर के बारे में दसवें इमाम ने गवाही दी इमाम हादिराम शहादत के बाद जब वो दौर गुज़रा तब ग्यारहवें इमाम का दौर आया हसन अबन अली अलस्करीम का दौर था उस वक्त में अहमद ने सार्मी कहते हैं कि मैंने वही सवाल जो उनके वालिद से किया था उसी सवाल को इमाम सलाम के सामने जाके दोहराया और मैंने कहा कि मौला कभी कभी मैं आप तक नहीं पहुंच पाता हूं और कभी कभी मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं आपसे राबता कायम करूं उस वक्त मैं किससे बात करूं किससे सवाल करूं किससे मैं जाके पूछूँ बे नहीं जो अल्फाज इमाम अली सलाम के थे इमाम हसन सलाम ने बिल्कुल वैसे ही कहा कि अगर तुम हम तक ना पहुंच पाओ और अगर तुम्हें हमारे तक आने में कोई दुश्वारी होती हो तो ये अब अमर हैं और फिर उन्हें अब उम्र की तरफ इशारा किया और कहा कि इनसे रबता क़ायम करना ये हमारे लिए बहुत ख़ास बहुत भरोसेमंद और सिका हैं आप सोचिए कि क्या मरतबा और क्या मकाम और क्या मंजिल होगी उस्मान सईद अल अमरी की कि उनको दो इमामों ने यानि दसवें और ग्यारहवें इमाम ने दोनों ने इनके सका होने की गवाही दी जब इमाम हसन सलाम की शहादत वाक़ हुई तब लोगों ने देखा कि किस्मान सईद अमरी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने तमाम फ़राइज जो तजहीज़ और तकफी से मुतलिक होते हैं उन्होंने सारे फ़राइज अंजाम दिए उस वक्त तक शो के दरमियान ये बात राइज हो चुकी थी ये बात आम हो चुकी थी कि इमाम जवान के लिए हमारे हजरत हजरत मेहदी मंतज़र के लिए दो ग होने वाली हैं जिसमें पहली ग़ैबत जो है गैबत सगरा होगी यानी आपने देखा होगा कि अक्सर रवायात में अक्सर अदीस में इमाम जवान सलाम का ख़ास नाम ले कर के कहा गया है गैबतान गय उनके लिए दो गबतें होने वाली हैं एक छोटी गैबत ग सगरा और उसके बाद एक बड़ी गैबत गबरा और बहुत ख़ास एक मुठ्ठी भर शियों के लिए मखसूस शुँ के लिए ये बात कही जा चुकी थी कि गैब शगरा में इमाम हसन अस्करी सलाम की शहादत के बाद इमाम जवान अरे सरातलम शीयों से बरह रास्त रे में नहीं होंगे बल्कि कुछ अपने ख़ास वक़ला के जरिए अपने ख़ास नवाबीन के जरिए वो शीयों के साथ कम्यूनिकेट करेंगे शीयों से रबता कायम रखेंगे और शीयों की हिदायत करेंगे आपको ये पता होना चाहिए के इम जमान हम शियों के लिए हिदायत का सिलसिला हज़रत रसोल खुदा सल्ला वसम के बाद बारह इमाम अलम्लम के ज़रिए होना है और इसलिए इमाम का सबसे पहला जो फरीद है वो है हम सब की हिदायत तो अगरचे हज़र महदीम गैबद उन्होंने इख्तियार की लेकिन इन नौाबी के ज़रिए उन्होंने हम लोगों की हिदायत का सिलसिला जारी रखा अब आपको थोड़ा सा ये ज़माना समझना होगा ये वो ज़माना है जब हुकूमत वक्त ये जानती है कि रसल ख़ुदा सल्ला वम ने पेशन गोई कर रखी है कि मेरा बारवा आके इस दुनिया से जुल्म ज़ोर का खात्मा करेगा इस दुनिया से तमाम जालिम और जाबिर बादशाहों को नीस्त नबूद करेगा और इस दुनिया में हुकूमत हक़ क़ायम करेगा यह एग्जैक्टली वैसा ही ज़माना है जैसा जैसे मूसा सलाम के वक्त था जब फ़िर को लोगों ने पेशन गोई की थी कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी तबाही और जवाल का सबब बनेगा ये बनी अब्बास के बादशाह ये जानते थे कि उन सबको ये बच्चा यानी क्योंकि इमाम हसन सलाम ग्यारहवें वाहम थे और रसोल खुदा का बारवा जानशीन आ कर के उन सब के खात्मे का सबब बनेगा ये लोगों ने उस खौफ में चाहा कि इससे पहले कि वो बच्चा आके इनके खात्मे का सबब बने इनको उस बच्चे को तलाश करके मार देना चाहिए हो वलजी अरसला रसूल बिलुदादी हक लियो जहर व्दीन क्ल वल मुशरकून अल्लाह चाहता था जानता था कि तमाम दीन को गालिब करना होगा और चाहे मुश्किन बुरा माने तो ये बनी अब्बास जिन्होंने बहुत कोशिश की कि ये लोग जल्लाह की हुकूमत को अल्लाह के नुमाइंदे को अल्लाह के खलीफ कत्ल कर दें अल्लाह ने, ने अपने खलीफा को महफूज रखा यहाँ तक के कि जब बनी हाशिम से यानी कि जब औलाद इमाम हादी आलाम में जब जाफर, जाफर कज़ाब, जो हैं वो हुकूमत वक्त से मिल गए और जाफर ने चाहा कि वो खुद इमामत का दावा करें और इमामत का दावा करके लोगों को बहकाएँ और वो खुद जो हैं, उस वक्त इमाम वक्त के मनसब पर बैठ जाएँ तब इमाम जवान ने इन्हीं के ज़रिए उस्मान अमरी के ज़रिए उनका जो है पर्दाफाश किया उनको बेनकाब किया उस वक्त हुकूमत के लोग ढूंढ रहे थे तलाश कर रहे थे कि किसी तरह से इमाम का पता पहुंच जाए उस्मान बिन सईद अमरी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सन 260 हिजरी यानी जब उन्होंने 9 रवी अव्वल 260 हिजरी से इमाम ज़मान इसम की नयाबत का सिलसिला उन्होंने जब जिम्मेदारी संभाली उस वक्त से लोग कहते हैं कि पाँच साल और कुछ लोग कहते हैं छः साल और एक रिवायत के मुताबिक दो साल से कबल उस्मान बिन सईद का की इंतकाल हो गई उन्होंने उस दौर में पाँच या छः साल जो है इमामी जमाना की नयाबत का ज़िम्मेदारी उन्हें संभाली अक्सर शी हज़रा कहते हैं कि जो उन्होंने रिवायतें बयान की और आपको ये किताब जिसका नाम है मनतब अलसर फ़ी फी अलशर ये किताब जनाब आयतुल्लम अ शेख लुतफुल्ला साफ़ी अलगुल पैगानी की लिखी हुई किताब है ये किताब के अंदर शेख लुतफुल्ला साफ़ी गुल ने हलत इस्लाम से मुतल चुनिंद अहदीस का जिक्र किया मंतब असर यानि चुनिंदा यानि वो रिवायतें जो महदी इस्लाम से मुतल और काफ़ी अहम रिवायतों को उन्होंने जमा किया है इस किताब के अंदर आपको बहुत से वो रिवायतें जो आपको दूसरी किताबों में नहीं मिलेंगी आपको इसमें पढ़ने की मिलेंगी जिसके अंदर उन्होंने एक किताब भी एक जगह जिक्र किया है, गैबत जिक्र है कि गैब शेख सदूक से उन्होंने बताया कि जब अबू मोहम्मद हारून उन्होंने जनाब मोहम्मद बिन हमाम से उन्होंने अब्दुल्ला बिन जाफ़र से के रिवायत की है कि जब हजरत इमाम हसन सलाम की शहादत वाक़ हुई हम सब सब लोग हज पे गए एक साल और जब हम लोग हज पे गए तो हम लोगों ने अहमद बिन इसहाक को बगदाद में पाया और हमने उनके साथ अबू अमर को अबू अम्र कुन्नीत जनाब बिन सईद अमरी की उनको पाया और हमने देखा कि अब उमर उनके साथ हैं हमने उनसे पूछा कि यकीन हम आपको बहुत लायक़ एतबार समझते हैं ये वो अहमद वह साल वह से कह रहे हैं और हमने उनसे कहा कि आपने जो है बहुत सी रिवायतें इमाम से बयान की हैं और जब उन्होंने तमाम चीज़ों को दोहराया उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अब अम्र जो हैं वो मैं उनकी तो तुम्हारी रहनमाई कर रहा हूँ जो तुम में से उनका उनका लफ्ज़ उनके कलाम उनकी बातें सबसे ज़्यादा सच्ची हैं साद हैं और एकदम झूठ से या शक से मुनजा मुबर्रा हैं यानि अहमद अबिनक जो रावी स रावी हैं वो ख़ुद उनकी रिवायत उनका इनका जो रहनुमाई है वो स्मान अबिन अमरी की तरफ कर रहे हैं और फिर जब हमने देखा कि उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफें की हैं तो हमने उनसे पूछा यानी उस्मान अबिन सईद से पूछा कि क्या आपने ज़ान के अमाम से मुलाकात की है क्या आप ज़बान के अमाम को जानते हैं अब वो की आँखों में आंसू आ गए और उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं तुमसे कहूँगा ये बात लेकिन तुम उससे वादा करो कि तुम इस चीज़ को किसी से जिक्र नहीं करोगे जब हमने उनसे वादा कर लिया तो उन्होंने कहा कि यकीनन मैंने ज़माने के इमाम से मुलाकात की है यकीन उनको देखा है और फिर उसके बाद उन्होंने उस देखने या उस मुलाकात के सबूत में कहा कि उनका जो गला है उनका गला बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही देखने में दिल नशी गला है जब उन्होंने यह बयान किया तो हमको यकीन हो गया कि इन्होंने इमाम जमान जबान से मुलाकात की है हमने पूछा अच्छा ही बताइए उनका नाम क्या है जैसे ही हमने नाम पूछा उस वक्त अब ने कहा कि मुझे इस बात की इजाज़त नहीं है कि मैं तुमको उनका नाम बताऊँ आपसे बता दिया जाए कि एक वक्त था जब मा गैबत सगरा में हज़रत महदी सलाम का नाम लेने से परहेज़ करते थे और बाज़ उलमा के नज़दीक उनका नाम लेना हराम भी था लेकिन रसोल खुदा सल्ला वसल्लम ने जो रिवायतें जो पेशन गोईयाँ की हैं उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है व वत कुती यानि महदी सलाम का नाम वही है जो रसूल खुदा का नाम है और उनकी कुनीत भी वही है जो रसोल खुदा सल्ला वसल्लम की कुत मुबारक है यानि हम लोगों को उनका नाम इसलिए लेने से मना किया गया चूँकि हुकूमत जो है वो सडनली अलर्ट ना हो जाए आपको पता है ये ज़माना वो था जब तमाम अक्सर शह हजरात जो हैं वो तकै में रहते थे और हुकूमत उनके बारे में ना सोच सके इसलिए वो अलग अलग पेशे में एक अलग डिज़गाइज़ में रहा करते थे जैसे बहुत कि बहुत इंटरेस्टिंग बात यह उस्मान बिन अल अमरी जो है सम्मान का बिजनेस करते थे वो ऑयल बैरल का बिजनेस करते थे जिसमें वो जो है जो कुकिंग ऑयल जो होता है एडिबल ऑयल जो होता है वो उसका बिज़नेस करते थे उसकी वजह से उनके पास ऑयल के काफ़ी सारे बैरल थे तो जो भी रुकम शरिया या जो भी होम्स की या जो दूसरी चीज़ें होती थी वो रकम को ऑयल बैरल में रख करके उसका ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता था और हुकूमत को शक भी ना होता था चूँकि बाई बिज़नेस या उनका जो फ्रंट जो था वो एक ऑयल बिजनस मैन का था ऑयल मर्चेंट का फ्रंट था उसी तरह से एक मोहम्मद अपने कत्तान थे वो क्लॉथ मर्चेंट थे वो कपड़ों का बिजनेस करते थे अब हुकूमत को यह लगता था कि अगर ये लोग बार के नायब हैं तो यकीन ये लोग कोई बहुत बड़े अमीर या कोई बहुत बड़े जमींदार या ऐसे लोग होंगे ये इस किस्म के मामूली बिजनेस में नहीं होंगे लेकिन ये बिजनेस जो उन्होंने फ्रंट से अपने आप को बतौर फ्रंट लोगों के रखा था वो बिजनेस करने की वजह से हुकूमत की तोज् इनकी तरफ नहीं होती थी जिस ज़माने में स्स्मान इबन सैदालमरी हजरत सलाम की ख़िदमत में थे बतौर पहले नायब उसी ज़माने में उन्होंने शियों के साथ मिलते जुलते उठते बैठते अपने फ़जन ने अर्जुमंद जनाब मोहम्मद इब्ने सईद अमरी का तारुफ कराना शुरू कर दिया था यह आपको बता दें कि हमारे इमा आलम ने आने वाले हालात से लोगों को बखूबी वाकफ़ कर रखा था तो ऐसी रिवायतें भी आपको मिल जाएंगी जहाँ पे इमाम हादी अलैहिस्सलाम और इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम इन दोनों ने दोनों बाप बेटों के बारे में कहा था कि ये दोनों जो हैं सका हैं यानी कि शियों को आने वाले हालात के बारे में अंदाज़ा हो जाए और वो ये समझ लें कि उस्मान बिन अमरी जिनका दौर नयाबत ज़्यादा तवील ना होगा उसके बाद उनके बेटे आने वाले हैं जिनका दौर इमामत ज़्यादा तवील होगा और जब, जब दोनों बाप बेटों के बारे में इमाम ताक़ीदा उनके सिक्ह होने के बारे में या लाक़ अतम होने के बारे में जिक्र कर रहे थे तब वो हल्के से एक प्लेटफॉर्म एक जो है एक ग्राउंड बना रहे थे इस बात के लिए कि उस्मान बिन सईद अल अमरी के बाद कोई झूठा दावेदार ना पैदा हो जाए बल्कि उनके ही बाद उनका बेटा मोहम्मद इबन स्स्मान इबन अमरी उनकी नाबत करेंगे और इमाम की के एवसरा में दूसरे नायब होंगे रिवायात बहुत सी हैं और आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक भी रिवायत ऐसी आपको ना मिलेगी जिसमें उस्मान बिन अमरी के बारे में कोई सवाल किया गया हो या मोहम्मद बिन उस्मान के नयाबत के बारे में कोई किस्म का शक या लोगों कोई किस्म का गुमान हो क्योंकि दोनों अमा अल्सम के नज़दीक बहुत ज़्यादा भरोसेमंद थे जाफर कज़ाब के बारे में हम आपको बता दें कि वो चाहते थे कि वो हकूमत वक्त के साथ मिल के खलीफा वक्त के साथ मिल के वो अमा सलाम यानि जो उनका मिशन था जो हज़त सलाम का मिशन था कि लोग उनको महफूज करें उनका घर लोगों को ना बताया जाए लोगों से उनसे दूर रखा जाए जाफर कज़ाब उन कोशों में लगे हुए थे इमाम जैन सलासलम से एक रिवायत है उन्होंने कहा मेरे बाद मेरा बेटा मोहम्मद जो जोमूम को शिकाफ्ता करेगा वो मेरा जानशीन और वसी करार पाएगा और उसके बाद उनका बेटा जाफर जो के जन्नत में और अरश में सादक़ के नाम से मशहूर है वो उनका जानशीन होगा रावी ने कहा कि मैंने इमाम जैन अब्लाम से कहा मौला ये इमाम जाफर सदकाम के सदक उन्होंने इस कदर ज़्यादा तकीद क्यों हूँ मेरे लिए तो आप सब के सब शाद हैं क्या आप सब शाद नहीं हैं फिर आपने इस बात पर इतनी ज़्यादा तकीद क्यों की इमाम ने नित फरमाया चूँकि मोहम्मद की नस्ल से एक जाफर और होगा उनकी पाँचवीं नस्ल में जो दरअसल जाफर कज़ाब होगा और वो चूँकि झूठा होगा इसलिए हम इनके जाफर के सादक होने पर ताक़ीद कर रहे हैं यानि आपको बता दें कि आइमा आलिम ने अपने शीयों के लिए पहले से बता दिया गया था कि एक जाफर कज़ाब होने वाला है ये जाफर कजाब जो है दरअसल ये चाहता था कि ख़ुद इमाम बन जाए और चूँकि वह जमाना इस कदर ज़्यादा पुराशोप था कि लोग थोड़े से परेशान थे कन्फ्यूज़ थे कि इमाम हसन अस्करी सलाम ने अपने बाद कोई जानशीन छोड़ा भी है कि नहीं जैसे भी हमने इस रवायत में इससे पहले जो हमने जिक्र किया कि लोगों ने पूछा क्या आपने इमाम को देखा भी है तो ये सवाल इस ज़ाहिर करता है कि लोगों को ये पता भी नहीं था कि आया महदी सलाम से लोगों की मुलाकात हुई भी है कि नहीं हुई है एक रिवायत और मिलती है जिसका हम जिक्र आपके सामने यहाँ कर दें कि ये रिवायत उसूल काफ़ी में है जिसे मोहम्मद इबन अब्दुल्ला और मोहम्मद अब्न याहिया दोनों ने अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र अल हिमरी से इसको नकल किया है जिसमें हिमरी कहते हैं कि जब मैं अबू अमर से मुलाकात मैंने की शेख अबूम से मुलाकात की रज़ाल तौ तो उस वक़्त अहमद बिन भी हमारे साथ थे उन्होंने बड़ा तवील उन्होंने वाक़ बयान किया है कि वो कह कि मुझे अगरचे अल्ला की हजरत पर पूरा यकीन है और मेरा ईमान अल बैतम पर पूरी तरह से मुसलम और महकम है लेकिन मेरा सवाल इसीलिए है कि जिस तरह से जनाब इब्राहिम आसमाम अल्ला को अल्लाह पर ईमान था लेकिन उसके बावजूद जनाब इब्राहिम अल्लाह से सवाल किया कि मेरे यकीन के लिए और मेरे इतमान कल्ब के लिए मुझे ये दिखा दे कि तुम उर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा उसी तरह से मुझे इस यकीन है कि अल्लाह की हजत से ज़मीन कभी खाली नहीं हो सकती लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपने हजरत मेहदी सलाम से या आपने जबान के माम से मुलाकात की है उसके जवाब में जहाँ पर अबू अमर अब ने कहा कि मैंने बिल्कुल मुलाकात की है मैंने उनको देखा है और उसी से जैसे उससे पहले उन्होंने बयान किया था कि उनका गला या उनका नेक जो है बहुत ही खूबसूरत शेप का है उन्होंने उसकी खूबसूरती को बयान किया लेकिन फिर उन्होंने उनके नाम लेने से इनकार किया चूँकि उन्होंने कहा कि ये खलीफ़ा वक्त मतमद जो है वो उसको ये लग रहा है कि इमाम हसन अस्कृति बग़ैर अपना जानश मुकर किए इस दुनिया से गुज़र गए इसकी वजह से उनका जो वरसा है वो लोगों के बीच में तकसीम हो गया है और कोई और आगे नहीं आया जिसके लिए उसका हक हाँ उसके लिए मुतालबा कर सके इसलिए उनके तमाम लोग जो हैं वो आसानी से घूम सकते हैं और आज़ाद हैं उन पर कोई भी जुल्म म नहीं हो रहा लेकिन जिस वक्त जैसे ही ये खुलाफ़ा वक्त ये सुन लेगा कि इमाम हसन इस्लाम के फर्जंद अर्जुमन का ये नाम है उस वक्त जासूस जासूसारे हुकूमत उनके पीछे पड़ जाएंगे आपको पता है इमाम जनाब नजीर ख़ातून सलाम जो हमारे बारे वहाँ के ग्रामी हैं उन्होंने जिंदगी भर कनीज़ों के साथ रह के एक कनीज़ बन की गुजारी यहाँ तक कि जब इमाम अस्कर के घर में थी उस वक्त वो कनीज़ों के साथ और कनीज़ों के दरमियान रहती ताकि हुकूमत वक्त को ये इल्म ना हो जाए कि ये इमाम इस्लाम की जोजा हैं और इमाम अस्कर के जानशीन और फ़र्जंद इनसे जो है तवलुत पाने वाले हैं आप सोचिए एक बादशाह की बेटी को जब कनीज़ों के साथ रखा जाए तो कितना मुश्किल और कितना दुशार होता है लेकिन उन्होंने सालों साल इस तरह की ज़िंदगी सिर्फ़ अपने बेटे की हिफाजत के लिए गुजारी और इसी मिशन को इसी किस्म की कुर्बानियों को बाकी रखते हुए इमाम सलाम के जो बहुत ही शिया थे उन्होंने भी अपनी जान को मुश्किल में डाल करके इस मिशन को अंजाम दिया यानि नवाबिन ख़ास करते क्या थे वो इमाम आसाम को नजर आम से मख्फी रखते थे यानि हित महदी सलाम से सिर्फ़ वो बर रास्त टच में होते थे बाकी लोगों से खतूत हुकूमत रुको शरीया और जो दिगर चीज़ें थीं वो ले कर इमाम तक पहुँचाते थे और इमाम के हुकुम जो हैं वो अपने ख़्वाशों तक पहुँचाते थे यानी जब जाफर कज़ाब ने जब दावा किया दावा इमामत किया उसने तब लोगों ने इमाम सलाम से रहनमाई तलब की इमाम ने एक बहुत ही मजम्मत भरा ख़त लिखा और लोगों के सामने जाफर कजाब का असली चेहरा पेश किया इमाम ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूँ कि जाफर कज़ाब को शरीयत के हलाल और हराम का भी इल्म नहीं है और मैं तुम्हें यह बता दूँ कि चूँकि हम सब का हम आशरी इस बात का अक़ीदा रखते हैं कि आइमा अलैहिस्सलाम क़ुरान की मतशाबे और महकमत आयद का इम रखते हैं उस इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि इमाम ये बात भी कह दें कि जाफर कजाब को मुतशाबात का इल्म नहीं है जाफर कज़ाब उसको नहीं जानते और फिर इमाम ने एक बहुत ही अहम बात कही कि जाफर कज़ाब के तौर से मुतक मैं कह दूँ कि उसने चालीस दिन से नमाज तर्क कर रखी है अब आप सोचिए एक आम मोमिन एक आम शख्स जब तीन दिन तक नमाज अगर कदा कर दे तो तारक उसलाद कहलाता है जाफर कज़ाब ने चालीस दिन से नमाज़ नहीं पढ़ी और वो अपनों को शीयों का इमाम बता रहा था इमाम जमान तक इस खत के बाद उसका चेहरा आश्कार हो गया और लोगों के लिए बात हो गई कि जाफर कजाब किस तरह से झूठा दावेदार है तो ये सुगरा का सिलसिला जो है तकरीबन सिक्सटी नाइन साल जो है जारी रहा हमने आज आपसे जनाब स्स्मान इबन सईदमरी के वाक़ात उनकी ज़िंदगी के हालात और किस तरह से उन्हें इमाम के इस मिशन को गैबदसगरा में जारी रखा इन शह मरतबा हम आपको इनके फ़जल दर्जमंद जनाब मोहम्मद इब्न उस्मान इब्न सईद अल अमरी के ज़िंदगी हालात पर डिस्कस करेंगे और किस तरह से इन्होंने तकरीबन चालीस साल तक हजरत महदी महद्लाम की नयाबत खास का अहदा नयाबत ख़ास का मनसब संभाला और शियों के साथ सामने शियों के दरमियान इस मिशन को जारी रखा आप सब हजरात से इस बात की गुजारिश है कि आप लोग हुसैन एन टी वी को देखते रहें और अपने दरमियान हजरत इमाम मज़मा का ज़िक्र आम करें चूँकि फ़िलहाल हम सारे शीयों की जिम्मेदारी है कि गैबत हमारे जब इस्लाम में हम कम से कम खुश नहीं कर सकते तो ऐटलीस्ट अपनी महफ़िलों में अपने लोगों में अपने दरमियान हज़रत सलाम का जिक्र करें उनका नाम लें उनको याद करें उनके जहूर के लिए दुआ करें कि मौला हज़रत महदिराम अपनी आखिरी हजरत के जहूर में ताजील फरमा और इन शाह आइंदा साल जब ये ईद हो तो हम अपने इमाम वक्त के साथ इस ईद को मनाएं इंशाअल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू